गब्बर से स्वर्ग इंडिया में आ गया। सरदार सरदार ये देखो, इन तीनों ने मैं सेफ्टी की वाट लगा रखी है। एक कालिया नीचे उतर, उतर नीचे, तीनों के तीनों इधर। आदमी तीन, सेफ्टी बेल्ट, फिर भी ऊपर चढ़े, क्या सोच के ऊपर चढ़े। तुम्हारा बॉस खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे ओ सांबा। हाँ सरदार। बता इनको, जब कोई 50-50 मीटर ऊंची हाइट पे काम करता है तो सेफ्टी का क्या रूल होता है, बताओ इनको। सरदार, 2 मीटर की हाइट पे ऊपर काम करना है तो हमें सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हेलमेट लगा के ही काम करना है। देखा हमारा सांबा कितना होशियार हो गया। लेकिन इन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। पहले इनका वर्क परमिट चेक करते हैं, जिसका परमिट मिला वो बच गया, जिसका वर्क परमिट नहीं मिला वो सीधा घर गया। निकालो निकालो, अपने अपने वर्क परमिट निकालो। इसका वर्क परमिट तो बहुत अच्छा है। अरे रणबीर कपूर, तू यहाँ काम करने आता है या इस आलिया को देखता है? वर्क परमिट निकाल। सरदार, ये वाला वर्क परमिट तो कल मैंने आपके पास भी देखा था। चुप, ये अपना अंदर का मामला है, पहले इन तीनों को देखते हैं। निकालो वर्क परमिट निकालो। ये मैं रख लेता हूँ, मेरे बहुत काम आएगा। बहुत अच्छा मिल गया, बच गया ये, बच गया। तुम भी निकालो। सरदार भी मिल गया, ये भी बच गया, बच गया रे। तुम भी निकालो, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी निकालो। सरदार लगता है ये तो गया, इसका तो वर्क परमिट नहीं मिल रहा। तेरा क्या होगा रे कालिया? काम कर रहा हूँ 10 साल हो या 5 साल। अरे ये कहाँ छुपा रखा है? लो सरदार मिल गया। तीनों बच गए। अरे ओ सांबा। हाँ सरदार। क्या इनाम रखा हमारी कंपनी ने सेफ्टी रूल फॉलो करने पर? सरदार 3 रुपए वाला पेन। क्या कह रहे? 3 रुपए वाला पेन। शॉट नहीं होता सांबा, वो अप्रिसिएशन लेटर ऑन दी स्पॉट होता है। हाँ सरदार वही। लेकिन इन तीनों ने तो सेफ्टी की वाट लगा रखी है, कब है सेफ्टी ऑडिट का प्लान? सरदार 15 दिन बाद। तो भेज दे इन तीनों को सेफ्टी ऑडिट में। चलो चलो विनीत जी के पास चलो, सेफ्टी के पॉइंट क्लोज करने चलो। सुन लो गांव वालों, जो कोई बिना सेफ्टी रूल फॉलो किए काम करेगा, सीधा बाहर, सीधा कंपनी से बाहर। कितने आदमी थे? ये कौन पीछे से बीच में हमारी गुस्ताखी कर रहा है? सरदार सरदार सरदार, ठाकुर आ गया। ठाकुर आया है, आने दो आने दो। Thank you.
ठाकुर आओ। गब्बर गब्बर, हे गब्बर, तूने मेरे हाथ तोड़ डाले। मेरे खाने का प्रॉब्लम नहीं, मेरे सुबह का प्रॉब्लम हो गया। मैं गब्बर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस ठाकुर के हाथ मैंने नहीं तोड़े, लेकिन इसका इल्जाम मेरे सर पर बहुत सालों से है। तो आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सुनो सिजवर्क वालों, एक दिन ये ठाकुर और मैं बी शिफ्ट में काम कर रहे थे। उस शिफ्ट में बहुत लोड था, बहुत लोड। इसने बिना सेफ्टी गार्ड की पैकिंग मशीन चला दी और इसके दोनों के दोनों हाथ कट गए, दोनों कट गए। तो मैं क्या करता, मेरे ऊपर बहुत लोड था और मुझे आउटपुट भी ज़्यादा देना था, इसलिए मैंने बिना सेफ्टी गार्ड की मोटर पे पैकिंग स्टार्ट कर दी और उसी में मेरे दोनों हाथ आ गए। तुझे क्या लगता है मेरे ऊपर लोड नहीं था? कितना भी लोड हो, मैं कहता हूँ कोई भी काम बाईपास मत करना और ना ही किसी दूसरे के कहने पर गलत तरीके से काम करना है। गब्बर, तेरे हाथ कैसे बच गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले बिना अपने हाथों के पकड़ के तो दिखा ठाकुर, ठाकुर पकड़ के तो दिखा ठाकुर। सरदार, एक शिकार आ गया। शिकार आया है, आने दो शिकार को। सरदार, ये लड़का जय, इसने पता है क्या किया है? क्या किया है? ये बिना हेलमेट के वेयर हाउस में कैप्टिव लेने चला गया। बिना सेफ्टी हेलमेट के वेयर हाउस के अंदर, इसकी इतनी हिम्मत? तो मैं क्या करता, 5 मिनट के लिए काम, 5 मिनट के चक्कर में मेरे बाल खराब नहीं हो जाते? जिस दिन एक कंटेनर सर पर गिरा, उस दिन पता चल जाएगा उस 5 मिनट की सेफ्टी हेलमेट की कितनी वैल्यू है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे क्या हुआ, आज मैंने सेफ्टी हेलमेट भी पहना तो, लेकिन सेफ्टी सूट तो डाला हूँ। सरदार, ये लड़का वीरू, कल पता है इसने क्या किया? हाँ, ये कल जय के साथ बाइक में बिना हेलमेट से घूम रहा था और बसंती का पीछा कर रहे थे, और आज इसने बिना हेलमेट से ही हुआ पकड़ा गया है। अच्छा, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, दोनों के दोनों बिना सेफ्टी हेलमेट वाले पकड़े गए। अरे ओ सांबा। हाँ सरदार। इनको तो अब सेफ्टी ऑफिसर आकाश ही समझाएंगे अच्छे से। हाँ सरदार। गब्बर, जब तू छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर शोले में बसंती नाचती है, लेकिन इस सिजवर्क शोले में जय नाचेगा। इन गुंडों के सामने मत नाचना। जय नाचेगा, जरूर नाचेगा, वो भी सेफ्टी शूज तो सेफ्टी हेलमेट पहन के नाचेगा। सरदार, सरदार। हाँ। ये तो रुक गया, कहो तो वीरू को उड़ा दूँ।
रुक जाओ सांबा, रुक जाओ, ये कौन सा वीक चल रहा है सरदार? सेफ्टी वीक 4 मार्च से 11 मार्च। सेफ्टी वीक के चलते हुए इसको उड़ाना सही नहीं होगा। वैसे भी अब ये समझ गया है, इसको सेफ्टी हेलमेट और वार्निंग देके छोड़ देते हैं। वैसे भी मैं जय के डांस से बहुत खुश हुआ। एक काम करो, इस वीरू को सेफ्टी हेलमेट और वार्निंग देके छोड़ दो। आप सभी को पता है, जब कोई सीज वर्क में बिना सेफ्टी रूल फॉलो किए काम करता है तो उनका बॉस बोलता है, बेटा सेफ्टी से काम कर वरना सेफ्टी का गब्बर आ जाएगा। चलो सीज वर्क वालो, हम सब कसम खाते हैं, हम सीज वर्क वासी ये कसम खाते हैं, हम किसी भी काम को करें, चाहे वो कंपनी का हो या बाहर का, उसे हमेशा सभी सेफ्टी रूल फॉलो करके ही काम करेंगे और ना किसी को प्रोसेस के सेफ्टी रूल फॉलो किए बगैर काम करने देंगे, ना ही बाईपास करने देंगे, और किसी को गलत तरीके से देखेंगे तो उसे भी हम सेफ्टी की वैल्यू समझाएंगे। जय हिंद।